पिछले सत्र में जो निष्कर्ष कुछ निकले, कुछ चर्चाएं हुई, तो आप में से कुछ लोग, आप लोगों के कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ बात पे हम सहमत हुए, तो कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ जी, कोई आप बोलना चाहिए। मैंने अपनी बुद्धि से इस पर विचार किया तो कुछ निष्कर्ष निकल के आए हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो अनेक होती हैं, उनमें से हम पहले एक अपना मूल्यांकन करके कि कौन सी इच्छा मैं आसानी से इस परिस्थिति में पूरी कर सकता हूं, उस पर विचार करके और फिर उनका एक क्रम निर्धारित कर लें कि कौन सी इच्छा पहले आवश्यक है और कौन सी करना अभी संभव है। और इस सत्र में चर्चा करेंगे जी। तो पिछले सत्र में जो निष्कर्ष निकले जी, जो चर्चा की उसके आधार पर वो प्रस्तुत करें, क्या उसमें कुछ निष्कर्ष निकला क्या? तो पूरी चर्चा में हम किस कुछ चीजों से सहमत हुए क्या, क्या कुछ निष्कर्ष निकाल पाए? अभी तक तो निष्कर्ष यही निकला है मेरे विचार से कि हम इनका वर्गीकरण जो कर रहे हैं उस वर्गीकरण पे ही मैं कुछ बोल रहा था, वो शायद संदर्भ से बाहर चला गया हो तो कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगा मैं जी। और कोई बताना चाहे? एक तो एक शायद निष्कर्ष हम लगभग सबकी सहमति थी कि सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, नहीं होती हैं, ये शायद सहमति थी, ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला था। ऐसा ही कुछ और निष्कर्ष, तो इन निष्कर्ष को जिनको मैंने गिनाया उसमें आपको कुछ कहना है या असहमति है तो बोल सकते। प्रश्न था कि क्या इन सब इच्छाओं की पूर्ति संभव है, तो संभव तो लगती है अगर पुरुषार्थ करें। अब हम ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इनकी पूर्ति संभव नहीं है? जैसा आचार्य जी ने कहा, दो स्तर पे हैं, एक तो व्यक्तिगत इच्छाएं और स्वामी जी ने भी संकेत किया था, और एक हमारी अन्यों के प्रति सामाजिक और सबकी सब इच्छाएं। तो ये प्रथम जो प्रश्न है, क्या इन सब इच्छाओं की पूर्ति संभव है, तो ये है सिर्फ व्यक्तिगत स्तर का प्रश्न। व्यक्तिगत भी है और साथ में जैसे हमने इतनी सारी इच्छाएं लिखी, कमोबेश ये इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाएं सब पूरी हो सकती हैं? तो इसमें दो दृष्टि हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि हो सकती हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा था कि कुछ परिस्थितियां और ऐसी हैं कि कुछ हम चाहते हैं होनी चाहिए लेकिन हो नहीं सकती, तो इसमें थोड़ी दृष्टि भेद है, इस पर और मंथन आगे किया जा सकता है जी। थोड़ा भेद है इसमें, इसको यूं करके भी चला। एक निष्कर्ष पर मैं भी थोड़ा ऐसे पहुंचा कि जो जिन इच्छाओं में हम स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो स्वयं के पूर्ण विवेक, शुद्ध विवेक, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ से हम अपने वैयक्तिक इच्छाओं को, जैसे दुखों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना, अपने भीतर की दिव्यता को पूरा जागृत करना, अपने भीतर के सामर्थ्य को पूरा जो है पुरुषार्थ करके प्रकट करना, वो अपने स्वयं के शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध निष्ठा से और पूर्ण पुरुषार्थ से हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। वो कितना ही बड़ा संकल्प हो, अपने संदर्भ में माने मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और उससे पहले अपने भीतर की जो अपरिमित ऊर्जाएं उनको जागृत करने वाला, लेकिन जिसमें आंशिक रूप से हम सफल हो सकते हैं वो ये कि जैसे बहुत बड़ा संकल्प हमने रखा समष्टि के कल्याण के लिए, व्यवस्था परिवर्तन, अब ये आंशिक रूप से पूरा होगा, शिक्षा व्यवस्था भी उसका एक पार्ट थी जो यहां पर लिखा हुआ है जी। अब उसमें हम कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सारे जो है यूरिया डीएपी सब बंद हो जाने चाहिए, गोहत्या सब बंद हो जाने चाहिए, गौर पुष्प आधारित खेती होनी चाहिए, फिर व्यापार में जो है वो अहिंसक समृद्धि नहीं होनी चाहिए, सात्विक समृद्धि होनी चाहिए, फिर ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी, चिकित्सा के संदर्भ में ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। तो ये आंशिक रूप से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, माने अभी तक का इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि समष्टिगत जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिसमें समाज कारण बनता है, राजनीति कारण बनती है, संसाधन कारण बनते हैं,
मानव संसाधन और मनुष्येतर संसाधन कारण बनते हैं, वो आंशिक रूप से ही हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती। जैसे यहाँ पे किसी ने लिखाया था, अप्रिय आचरण ना हो मेरे प्रति, इस इच्छा की पूर्ति स्वामी जी का क्या हमारे लिए स्वयं के अधिकार पे संभव है या दूसरों पे आश्रित है, क्या लगता है पूरी होगी? और जो ऐसे सोचेगा फिर वो दुखी रहेगा जिंदगी भर। जो हमारे अधिकार में है वो तो ये जन्म है अभी, तो वर्तमान की स्थिति का विश्लेषण कर ले और जी, और अगला जन्म कैसा मिलेगा वो एक इच्छा हो सकती है, और उस जन्म में कैसी परिस्थितियां होंगी, उस समय शुद्ध दूध उनको उपलब्ध होगा कि नहीं होगा पहलवान बनने के लिए, तब तक अगर आप सफल हो गए तो शायद हो जाएगा। आचार्य जी, इसमें क्योंकि अगला जन्म भी हमारे अधीन है, क्योंकि कर्म तो हमारे अधीन है और कर्मों का फल ही अगला जन्म है, इसलिए हम अगले जन्म को अंधकार में देखें यह अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा जी। इसमें तो कई ऋषियों के वो भी खंडित हो जाएंगे, जैसे महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हम जब मतलब हमें योग साधना करनी, समाधि सिद्ध करनी है तो कई जन्म लगते हैं, अब यदि अपन इस जन्म में नहीं कर सकते अगले जन्म में पता नहीं परिस्थितियां क्या होगी और क्या होगा, तो फिर तो ये तो काम हो ही नहीं सकता, तो अगले जन्म में मतलब हमने इस जन्म में यदि प्रयास किया तो अगले जन्म में हम उसमें और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भगवान उस प्रकार की व्यवस्था हमें बना के अवश्य देंगे यदि हमारा कर्म वैसा है तो हमारे हाथ में है पूरा। मेरा कथन उस दृष्टि से था क्योंकि स्वामी सत्यपति जी को सुना मैं कई बार कहते हैं कि अगर इस जन्म में शास्त्रीय कथन के आधार पर इस जन्म में अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो विफल हो गया, तो अधिकार में तो कर्म का अधिकार तो अभी का ही है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बाधाएं क्या हैं वो तो अभी की हैं, भविष्य की बाधाएं शायद हमें परिस्थितियां अभी पता नहीं है, क्योंकि एक और कथन है जी कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। वर्तमान के पुरुषार्थ को प्राथमिकता देने के लिए इस जन्म को बहुत महिमा देनी पड़ती है जी। वही उपनिषद में विकाय यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदित महति विनष्टि है, कि इसी जन्म में और इसी समय सत्य को आत्मा को साक्षात कर लिया तो शुभ है हमारे लिए, नहीं तो महाविनाश है। इसका मतलब यह नहीं कि आगे यह सृष्टि क्रम ही अवरुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा इसका प्राथमिकता देने के लिए इस जन्म को महिमा देनी पड़ेगी और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए। ओम, सारी इच्छाओं के पीछे जो मूल संबंध है वो यही है कि हर इच्छा के पीछे व्यक्ति सुख चाह रहा है, तो अन्य इच्छाओं और सुख चाहना उसकी क्या संबंध है आपस में? हर इच्छा के पीछे सुख है, तो जो सुख का संबंध है वो सभी से है, सारी इच्छाओं से है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहे? अचय जी, अचय जी, मुझे ऐसे समझ में आता है कि जैसे हम एक इच्छा को पूरी करते हैं तो वो दूसरी इच्छा को पूरी करने में सहायकृत होता है, जैसे अगर हम स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं तो तभी हम परमात्मा की इच्छा अनुकूल जी सकते हैं। तो एक इच्छा दूसरी इच्छा की पूर्ति में सहायक है, आपस में परस्पर पूरक है, पूरक है, सहायक है, या एक के कारण दूसरी होती है, एक से दूसरा प्राप्त करता है? नहीं, उनका एक इच्छा पूर्ति होगी तो दूसरी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी, शरीर बलवान होगा, मस्तिष्क प्रज्ञावान होगा, ऐसे कुछ हमारे पास में संसाधन होंगे तो कुछ हम परोपकार आदि कर पाएंगे, मतलब एक, एक एक इच्छा पूर्ति होने से इच्छाओं की पूर्ति की एक श्रृंखला तैयार होगी, उससे बड़ी और बड़ी इच्छा पूर्ति करने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ति होती है और छोटे छोटे संकल्प पूर्ण होने से हमारा बड़ा संकल्प। तो जैसे यहाँ इच्छा थी याद करना कि अष्टाध्यायी याद हो जाए एक सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, साल में, जो भी था, और दूसरी इच्छा थी वेदानुसार व्यवहार, वेद का अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान प्रसार, इन दोनों में क्या संबंध दिखता है? क्योंकि अष्टाध्यायी बेस है, इसकी वजह से अगर अष्टाध्यायी पूरी शुरू अच्छे से ही होगी तो आगे जाके भी वो एकाग्रता अष्टाध्यायी से ही बनेगी, आगे जाके भी उसकी एकाग्रता वैसी ही रहेगी, तो वो बहुत जल्दी आगे वेद का जो भी पढ़ाई है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। और कुछ? और क्या जी सुन जी, मैं सोचता हूँ इच्छा हम आज कर रहे हैं
और यदि स्थिति ठीक हमें जानने की इच्छा है तो इसे समझ लें कि आज ही वो पूरी हो गई, उसके बाद क्या करूँगा, वो इच्छा भी पूरी हो गई फिर क्या करूँगा। तो इसमें गंभीरता की जो बात अभी स्वामी जी ने कही, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने भीतर इस बात को गहराई से पकड़ें कि मान लो ये इच्छा पूरी होगी उसके बाद क्या, वो इच्छा पूरी होगी उसके बाद क्या, वो इच्छा पूरी होगी उसके बाद क्या, तो अंतिम इच्छा के परिणति पर पहुंच जाएंगे और फिर यहां से इच्छाएं बनाने का प्रारंभ करेंगे तो इच्छाएं हमारी पूरी होती चली जाएगी। यदि अंतिम परिणति को प्राप्त नहीं किए और इच्छाएं करते रहे तो इच्छाओं के जाल में फंसते जाएंगे। एक इच्छा के पूरा होने पर दूसरी इच्छाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, ये भी एक संबंध है। लिखूं अगर सहमति इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा जी। अभी अपना जो प्रश्न समझे कि इन इच्छाओं में परस्पर क्या संबंध है, ये संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक संबंध कि एक इच्छा क्रमिकता का संबंध है, क्रमिकता का संबंध कि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा पैदा होगी, दूसरी इच्छा हुई तो तीसरा, तो एक चक्रव्यूह बन गया और उसमें से निकल नहीं पाता आदमी यदि उसका इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं, अंतिम जो अंतिम इच्छा है उसकी जी। वो उसके सामने स्पष्ट नहीं है तो इच्छाओं में यही भी संबंध है जैसा कि भौतिक इच्छाओं में प्रमाण ने भी ये श्लोक दिया था मनुस्मृति का उस ठीक है। ये इस विषय में ये हर जगह नहीं घटेगा, यदि ये हर जगह घटेगा तो कभी अकाम हो ही नहीं सकता व्यक्ति ठीक। एक के बाद दूसरी होने ही बिल्कुल पक्का नियम हो गया तो फिर तो समापन कहाँ होगा जी। भौतिक इच्छा के संदर्भ में जी, मतलब इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी नहीं, कुछ बहुत सारी इच्छाएं हैं उनमें कुछ इच्छाओं में ये संबंध, इनका भी सुझाव रख लीजिए, ये भी एक सुझाव है इनका भी, इच्छाओं में आपस में संबंध। ओम कुछ इच्छाएं वित्तेषणा लोकेषणा से प्रभावित होकर भी, मतलब उससे भी संबंधित होकर भी कोई इच्छा कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है इच्छाओं के पीछे किसी की लोकेषणा मतलब वित्तेषणा मतलब उससे संबंध हो, ऐसा तो हो सकता है। तीन खुद ही इच्छाएं हैं बहन जी, वित्तेषणा मानी इच्छा, वित्त की इच्छा, पुत्र की इच्छा और सम्मान की इच्छा, इन तीन इच्छाओं में सारी इच्छाएं समाहित है जी। तो संबंध इस तरह का ढूंढना है कि मान लिया मकान लिया, घर लिया, क्यों लिया, एक और इच्छा है सुख से रहना, दूसरा इच्छा है मकान लेना, इसमें कुछ संबंध है क्या? यहाँ जो इच्छाएं लिखी हैं उसमें आपस में कुछ संबंध दिखता है। आचार्य जी, ये सारी इच्छाएं हमारे ज्ञान के अनुसार हो रही हैं जैसा हमको ज्ञान है, ये संबंध आपने प्रस्ताव किया है कि जितनी भी इच्छाएं हैं वो हमारे ज्ञान के अनुरूप हो रही हैं, ये हाँ वर्तमान के ज्ञान के, जो अभी ज्ञान है जिसका जो भी है, हमारी इच्छाएं हमारे ज्ञान के अनुरूप हो रही हैं, जैसा भी जो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यहाँ पर वो परम ज्ञान वाला तात्पर्य नहीं है, जो हमारी सूचना जानकारी समझ है अच्छी बुरी उसके अनुसार ही हमारी इच्छाएं हो रही हैं। ये सब इच्छाओं में एक संबंध आपने बताया जी, तुम्हारी इच्छाओं का कारण ज्ञान, अपने ज्ञान के अनुरूप इच्छाएं। मेरा सुझाव कि हर इच्छा के मूल में दुख से निवृत्ति हमारी जो है, इसको और अलग ले लेते हैं। हाँ, इसको अलग ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं, ये भी एक दृष्टि है जी। तो अर्थात इच्छाओं में दुख से निवृत्ति भी एक संबंध हम देखते हैं, दुख की निवृत्ति। ठीक जी, और कोई? ओम आचार्य जी, ये मुझे लगता है कि जो सारी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं वेद से जुड़ी हुई हैं, वेद अगर हम वेदों के अनुसार आचरण करने लगे तो इन सभी इच्छाएं जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, किसी की भी इच्छाएं हैं, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इच्छा है, हम उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं और आगे हमें इच्छा ना भी हो ऐसी भी स्थिति हमारी बन सकती है। तो वेदानुसार आचरण जो लिखा है वो इन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता जी, है। सभी सभी इच्छाओं को समाहित कर सकता है, उनकी पूर्ति कर सकता है। जैसे वेद में लिखा है, जैसे
ऐसे वेद में लिखा है ऐसा आदमी बन जाए, ऐसा नहीं, ऐसा आचरण अगर करने हाँ, लगे ऐसा व्यक्ति बन जाए तो सभी सारी इच्छाएं पूर्ति हो सकते हैं। यहाँ विपरीत इच्छाएं भी आई थी पाप कर्मों की, शुभ इच्छाओं के बारे में, शुभ इच्छाओं के बारे में, शुभ इच्छाओं के बारे में जी। वो सात्विक इच्छा बोल, पीछे कुछ कोई बोलना चाह रहे थे जी। अभ्युदय और निश्रेयस का सिद्धि करने के लिए पुरुषार्थ का मार्ग है सब, और मोक्ष के द्वार खुलने के लिए खड़े होकर ये सब इच्छाएं अभ्युदय और निश्रेयस का जो मार्ग के लिए पुरुषार्थ अभी वर्तमान में करने के लिए है, और अंतिम इच्छा की मोक्ष के ओर, वो दोनों सिद्ध करके मोक्ष के ओर ले जाने के लिए इच्छा है सब जी। अंतिम और आगे इनमें परस्पर संबंध क्या है इस संदर्भ में बताएं। परिस्थितियों के हिसाब से भी हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, जन्म लेती रहती हैं, इच्छाएं बदलती रहती हैं, ये भी इच्छाओं में एक हो गया ठीक है, इच्छाएं बदलती रहती हैं। ये जो था अपने ज्ञान के अनुरूप इच्छाएं होती हैं, तो ज्ञान बदल देगा तो इच्छाएं बदलती हैं ठीक है। कई इच्छाएं ऐसी भी होती है लोभ लालच को देख कर भी इच्छाएं की जाती है परिस्थितियों के अनुरूप जी, वो कारण तो ठीक है बदलती है, बस एक इतनी बात लिख देते। कुछ इच्छाएं जिसके मूल में परोपकार है, कुछ इच्छाएं जिसके मूल में आत्मोन्नति है, कुछ इच्छाएं जिसके मूल में हिंसा है यानी दूसरों को कष्ट देना, ये कुछ इच्छाएं जिसके मूल में आत्मोन्नति है, कुछ इच्छाएं ऐसी है जिसके मूल में परोपकार की भावना है, और कुछ इच्छाएं ऐसी है कि जिसके मूल में दूसरों को पीड़ा देने की भावना है। इनमें परस्पर में क्या संबंध क्या है, ये थोड़ा सा वर्गीकरण जैसा हो गया जो आपने कहा। यहाँ हम थोड़ा देखना चाहते हैं एक से दूसरे पे, यहाँ भी कुछ वैसे एक जैसी आ गई हैं, लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि इच्छाओं के मूल में जी, अपना मुख्य विषय वास्तव में ये थोड़ा आ गया ये पर हमारा है कि एक इच्छा का दूसरे से क्या संबंध, क्या दृष्टि से कुछ वैसे आपस में कोई संबंध है क्या, ये समानता एक अलग बात होती है, और संबंध मतलब एक का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस दृष्टि से प्रश्न वास्तव में मुख्य वैसा, वैसा है तो फिर उसमें कार्य कारण या साध्य साधन रूप में संबंध रहता है प्राय। तो जैसी बात आई कि कुछ आगे की इच्छा है और उससे जो कुछ अन्य भौतिक साधन है इत्यादि, वो कारण कार्य का संबंध है, एक एक इच्छा दूसरी में सहायक होती है इसके अंतर्गत तो एक दूसरे की विरोधी है और सहयोगी है, और आपने क्या कारण कार्य का संबंध है, कार्य कारण या साध्य साधन, साध्य साधन संबंध, तो कुछ तो साध्य है और कुछ उसके साधन है, साधन है, कुछ कार्य है कुछ उसके कारण, तो इसमें से कुछ दिख रहा है जो साध्य है और कुछ साधन है, कुछ उदाहरण लेंगे इसमें, जैसे वो शास्त्र ज्ञान था वेदानुसार व्यवहार वो मुक्ति में सहायक मिलेगा, तो वेदानुसार व्यवहार वो उसका साधन बन जाएगा, और जो उसकी उन्नति के लिए वो उन्नति उसका साध्य है आत्मिक उन्नति जी। तो इसमें कुछ साध्य साधन का संबंध है, कारण कार्य का संबंध है, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो कारण इच्छा या कार्य इच्छा, इसमें मुख्य क्या है और गौण क्या है, एक कारण कार्य संबंध एक उभर के आया है, कार्य इच्छा मुख्य है, सारी इच्छाएं मुख्य है, नहीं नहीं कार्य इच्छाएं मुख्य, कार्य इच्छाएं मुख्य है जी, साध्य इच्छाएं कहें कार्य इच्छाएं कहें वो मुख्य है, कार्य रूप में जो इच्छाएं जिनके लिए हम अन्य इच्छाओं को कर रहे हैं, जो मूलभूत इच्छाएं हैं हमारी वो मुख्य रहेंगे, और उनको उनके लिए जिनको अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं वो कौन है, उदाहरण ले लीजिए, कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे गुरु जी जो हमारी दीर्घकालिक इच्छाएं हैं जो हमारा लक्ष्य है, कुछ उदाहरण लीजिए, और अष्टाध्यायी स्मरण का एक बात आई थी, अष्टाध्यायी स्मरण और वेद का ज्ञान और प्रचार, इन दोनों में मुख्य कौन सा है, कारण कार्य संबंध इनमें है, अष्टाध्यायी कारण है और वेद का ज्ञान प्रचार ये कार्य है, तो इन दोनों में से मुख्य कौन सा है, वेद का ज्ञान मुख्य या अष्टाध्यायी मुख्य, अष्टाध्यायी याद ना कर पाए तो वेद नहीं पढ़ेंगे वहीं अटक जाएंगे, अष्टाध्यायी मेरे से हो नहीं सकती इसलिए आगे कुछ हो नहीं सकता,
होता है, ऐसा संभव है? जो जिसके लिए होता है वो, जैसे अष्टाध्यायी यदि वेद के लिए, तो वेद मुख्य है और अष्टाध्यायी उसका साधन है, साधन साध्य में हमेशा साध्य मुख्य होता है। तो क्या साध्य के लिए साधन कोई छोड़ा जा सकता है या बदला जा सकता है? नहीं, साध्य के लिए जो साधन है वो अपना नहीं पड़ेगा, जिस साधन से साध्य सिद्ध हो रहा है उसको तो लेना ही पड़ेगा जी। और एक से अधिक साधन हो सकते हैं किसी साध्य के? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, साधन भी मुख्य है, साधन के बिना भी साध्य नहीं मिलता है। पर जैसे साधन और साध्य में यदि मुख्य और गौण की बात देखें तो साध्य मुख्य है, क्योंकि साधन साध्य के लिए, लेकिन मुख्य होते हुए भी साधन के बिना नहीं होता, तो उस दृष्टि से तो साधन भी अपना अस्तित्व रखता ही है। इसमें यह बात आई कि साध्य मुख्य है, तो जैसे वेद अध्ययन मुख्य है, उसमें व्याकरण एक साधन है, साधन तो रहेगा ही हमेशा अपनी उसकी भूमिका, लेकिन वेदार्थ को बिना व्याकरण पढ़े लोग भाष्य आदि दूसरी भाषाओं भाषांतर के माध्यम से, अनुवाद आदि के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन साध्य यदि हमारा साध्य वेद है तो हम उनको दूसरे उसको दूसरे माध्यम से भी उतना अर्थ में ना समझे जितने अर्थ में समझना है, दूसरे साधनों से भी समझ सकते हैं, मुख्यता तो इस रूप में भी दर्शाते। इसमें थोड़ा ये भी हमें देखना है कि साधन तो हमने कर लिया और साध्य नहीं आ पाया, साधन अष्टाध्यायी तो याद कर लिया और कर लिया लेकिन साध्य नहीं आ पाया, क्या ऐसा साधन जिसका साध्य नहीं हो पा रहा है उसकी क्या उपयोगिता है, ये भी एक साथ में इसमें विचारने का बिंदु है। सौरभ जी इत्यादि हम प्रोफेशनल उसमें काफी काम करते हैं, तो वहाँ ये अक्सर बहुत देखा जाता है कि साधन में लगे हुए लोग हैं और इतने लग गए कि साध्य को भूल गए। कहते हैं कि धन का अर्जन किस लिए, भोजन सुख के लिए, धन के अर्जन में इतना व्यस्त हो गए कि ईश्वर का सुख तो दूर की बात, भौतिक सुख भी गायब हो गया। देखते हैं आपकी कंपनी में 12, 14, 16, 18 घंटे काम करते हैं लोग जी। हाँ ओम, जैसे इसमें साधन और साध्य के बारे में पूछा गया, तो इसमें जैसे श्रेय मार्ग पर चलना, तो श्रेय मार्ग पर तब चलेंगे जब ज्ञान होगा, जैसे फिर अष्टाध्यायी स्मरण की बात आई, तो वो जब होगी जब तीव्र बुद्धि होगी, तो इनमें साधन और साध्य का संबंध हो गया जो ये उदाहरण दिए गए यहाँ पर, इच्छाओं का मुख्य कौन है? मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद बात स्पष्ट हो। जैसे आचार्य जी ने कहा अच्छा भोजन आचार्य जी का इच्छा है, साध्य है, एक साध्य है अच्छा भोजन, उसमें अब वो भोजन मैं स्वयं ही उगाऊंगा तभी वो भोजन करूंगा या किसी और से भी उगवा सकता हूं, और अगर एक रास्ता सफल नहीं हो पा रहा है ना, भोजन कई तरह से प्राप्त किया जा सकता है, आप में से कुछ लोग उगाते भी होंगे, किसानों के परिवार से होंगे, यहां भी उगाते होंगे, हम जैसे कुछ लोग दूसरों के उगाए हुए का उपयोग कर लेते हैं, तो साध्य उसमें मुख्य रहा अच्छा भोजन या उसमें साधन मुख्य कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, जब तक ऐसे नहीं करूंगा तब तक भोजन ही नहीं करूंगा। एक बहुत एक साधारण सा उदाहरण दिया मैंने, शायद बात स्पष्ट हुई हो जी। आप हो चुके हैं, और कोई बोलना चाहे माइक। ये साधन साध्य में दृष्टि भेद के ऊपर नहीं है कि जहां एक दृष्टि से देखें तो साधन जो अपरिहार्य है वो तो मुख्य हो ही जाएगा, दृष्टि के अनुसार जो है ना, मतलब साध्य को मुख्य रखते हुए भी जब साधन की तरफ से देखेंगे तो साधन मुख्य है, नहीं तो साध्य कैसे मिलेगा। जैसे योगांगा अनुष्ठान नहीं करेगा तो उसका अशुद्धि क्षय कैसे होगा, कुल्हाड़े को उसके ऊपर शाखा के ऊपर नहीं पटकेंगे तो कैसे कटेगी, तो आप भिन्नता होने पर वो साधन होगा। तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया अपरिहार्य, जिसके साथ जुड़ा हुआ है परिहार्य जी, तो इसमें कुछ संबंध दिखता है, कुछ अपरिहार्य है कुछ परिहार्य है, कुछ है जिससे हम बच नहीं सकते, करना ही है, आवश्यक है, अपरिहार्य परिहार्य,
तो इसमें कुछ दिक्कत हाँ, वर्गीकरण कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपरिहार्य हैं, जैसे भोजन अपरिहार्य है पर उसकी क्वालिटीज और उसकी वो तो परिहार्य हो सकती है। भूख लगी तो उसको भूख को शांत करने के लिए वो तो अपरिहार्य है, पर उसमें जो अभिरुचियां होती है कि मैं तो ऐसा ही भोजन करूंगा उसको तो हटाया जा सकता है जी। तो इसमें इस वर्गीकरण गुरु जी ने एक प्रस्तुत किया परिहार्य अपरिहार्य, तो इसमें कुछ दिखता है? कुछ हमारी जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, कुछ हमारे लग्जरीज होती हैं जी, तो वो परिहार्य हैं और आवश्यकताएं तो करनी पड़ेगी। ये आईपैड परिहार्य अपरिहार्य? अभी तो आपके लिए अपरिहार्य हो रहा है जी। और अगर मैं ये निर्णय हाँ, गुरु जी के लिए आईपैड की बात कर रहे हो या परिहार्य? इनके लिए अपरिहार्य नहीं है जी। हाँ, उसके बिना रह सकते हैं जी। नहीं, इस साधन और साध्य में बिना साधन के तो साध्य मिलेगा नहीं, साधन की भिन्नता हो सकती है। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसमें साधन तो चाहिए, मैं विमान से जाऊँ, हेलीकॉप्टर से जाऊँ, मैं गाड़ी से जाऊँ, घोड़े से जाऊँ, पैदल जाऊँ, साइकिल से जाऊँ या आकाश गमन करके जाऊँ आकाश कोई भी एक, माने साधन के बिना साध्य मिल ही नहीं सकता। साधन अपरिहार्य है, साध्य ध्येय होते हुए भी साधन अपरिहार्य, साधन की भिन्नता हो सकती है। साधन तो ऐसे हैं जहां विकल्प भी नहीं मिलता, तब क्या करेंगे जी। जैसे ज्ञान के बिना बंधनों से मुक्ति नहीं, तो ज्ञान तो अपरिहार्य साधन हो गया जी। ज्ञान ही अपरिहार्य नहीं, ज्ञान युक्त आचरण अपरिहार्य गुरु जी, वो भी हो गया वो भी ठीक, दोनों अपरिहार्य जी। जैसे अगर मैं किसी को कहूं अगर इसकी बैटरी अभी खत्म हो जाए, ये तो खत्म हो गया, मैं आगे बात नहीं कर सकता, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? समझदार बुद्धिमान मानेंगे या हठीला दुराग्रही कहेंगे कि ये नहीं है तो कुछ नहीं? हठीला कहेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये भी तो है, इसमें देख के ही कर लो जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी साधन विशेष की अपेक्षा रखते हुए उससे आगे जो कार्य होना होता है, वो साधन जिसके लिए बना हुआ है उस कार्य को करने से ही मना कर देते हैं। आंदोलन में दिल्ली जाना है, नहीं जा पाए, क्यों? गाड़ी नहीं आई, मेरे को कोई लेने नहीं आया। अगर कोई ये कारण बताए, क्योंकि साधन ही है, व्हीकल आया पतंजलि योगपीठ का, तो कोई कह सकता है ना स्वामी जी की बाहर बस मिलती थी उसमें चले जाते, स्कूटर पकड़ के चले जाते। तो जाना मुख्य है, साधन की भिन्नता हो सकती है, पहले बात आई जी, जी। तो ये स्पष्टीकरण है कि साधन कई हो सकते हैं, कुछ आप कह रहे हैं कुछ ऐसे साधन है जो उस साध्य के लिए आवश्यक ही है, जैसे योगांगों का अनुष्ठान जी जो है वो विवेक ख्याति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए अपरिहार्य है, उसमें विकल्प नहीं है जी। कि बिना योगांगों के अनुष्ठान किया, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा वाली बात नहीं है, वहाँ जो है आपको अहिंसा सत्य अस्तित्व पर चलना ही पड़ेगा, बिना चाहे वो आप पहले सिद्ध कर लिया या इस जन्म में सिद्ध करना पड़ा, उसमें विकल्प नहीं है। कुछ साधनों में विकल्प है जी, कुछ साधनों में विकल्प नहीं होते, ऐसे दो तरह के साधन है।